चारू कैसल फाउंडेशन गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में 15 देशों के 22,000 से अधिक छात्रों के चयनित चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। चारू कैसल फाउंडेशन के चेयरमैन कपूर विधान ने बताया कि युवाओं को कला के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने और उनकी कला व रुचि को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ये संस्था हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता करवाती है। उन्होंने कहा कि इसमें चयनित चित्रों की देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनती है। उन्होंने बताया कि इच्छुक युवा और शैक्षणिक संस्थान वर्ष भर अपनी चित्र व कला को संस्था तक पहुंचा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अब इस साल काफी 3-4 साल के गैप के बाद मैं आया हूँ, क्योंकि कई कंट्रीज में जाना होता है। तो ये संस्कृति के रंग अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता हमने यूपी गवर्नमेंट के साथ मिल के यहाँ करवाई गई और उसमें 22,000 जो है छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 2,000 बच्चे जो है पुरस्कृत किए हैं और उनको प्राइज भी मिल गए। उन बच्चों को 2,00,000 का कैश प्राइज प्लस हर एक बच्चों को मेडल्स, मेरिट सर्टिफिकेट और मोमेंटो दे दिए गए। जो फॉरेन के स्टूडेंट हैं, जो 15 कंट्री हमारे यहाँ इस बारी पार्टिसिपेट करे हैं, जिसके अंदर फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, अपना रशिया है और इधर से कंबोडिया है, थाईलैंड है, तो आदि ये 15 कंट्रीज जो हैं उनके बच्चों की भी पेंटिंग यहाँ लगी हुई हैं आज गेटी थिएटर के ट्रेवरन हॉल में। ये 24, 25, 26 तक चलेगी। ये मेरा यहाँ कहना चाहूँगा कि ये कॉमर्शियल वर्क नहीं है, ये कई साल पहले से 2003 से ये हिमाचल में होता है, जिसका सबसे पहले गवर्नर सूर्यन भान जी ने यहाँ पुरस्कार गेटी थिएटर में बांटे थे, तब से रेगुलर वर्क चल रहा है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा स्कूल कॉलेज अगर इनवाइट करता है तो हम उनके यहाँ भी एग्जीबिशन लगाते हैं, जिसका कोई हम फीस मतलब वगैरह नहीं होती, इट इज़ अ फ्री ऑफ चार्ज।